कहीं मर तो नहीं गया? जय कौन आया होगा? तुम टेंशन मत लो, मैं देख कर आता हूं। मुंबई से लगे एक फार्म हाउस में कुछ यंगस्टर्स की पार्टी चल रही थी। बाथरूम में उन्हीं में से एक की लाश पड़ी और फार्म हाउस के बाहर पुलिस खड़ी थी। ये मुंबई शहर की यूथ क्राइम की सनसनीखेज घटना है। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं श्वेता तिवारी आप सबका स्वागत करते हैं। मुंबई उम्मीदों का शहर, रोशनी से चमकती माया नगरी। इंडिया के इस फाइनेंशियल कैपिटल में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग काम करने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए वो अपनाते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट पर इजी मनी, रातों रात अमीर बनने के लिए वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ के जरिए हमारी यही कोशिश है कि हम सब मुंबई कर एक साथ मिलकर क्राइम के खिलाफ इस जंग में खड़े हो, क्योंकि क्राइम से मुकाबला अभी नहीं तो कभी नहीं। शोर शराबे से भरी इस मेट्रो सिटी में कई लोग पार्टी करने के लिए शहर से बाहर फार्म हाउस में जाते हैं। इस घटना में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ भी कुछ नौजवानों ने ऐसा ही किया, लेकिन इसी बीच वहां हो गया एक मर्डर। इस वारदात में कौन था शिकार और कौन था शिकारी, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। क्या था ये मामला, आइए देखते हैं मुंबई शहर की ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना। हेलो डैड। हाँ अक्षय, ज्यादा मस्ती तो नहीं चल रही है? पिछली बार की तरह तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। कुछ नहीं होगा डैड, नो कंप्लेंट्स। श्योर। अच्छा सुनो, मेरे कबर्ड में पैसे रखे हैं, उसमें से 80,000 रुपए लेके मिस्टर सिंह को दे देना। ऑलराइट डैड, श्योर। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय डैड। ओके। तो स्टंट बनकर आए? वैसे तो मैं स्टंट बनकर कहीं नहीं जाता, पर तुम्हें इंप्रेस करना था ना, इसीलिए चले। सो यू नो इट्स वेरी गुड, मतलब मुंबई इज बेस्ट आई गेस, मेरे हिसाब से। ऑनेस्टली मुझे मुंबई बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम अ पीस लवर। चिड़ियों की आवाज, रात की खामोशी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे तो तारे भी नहीं दिखते रात में। एक्चुअली ऐसी जगह है मेरे पास, मतलब मेरी जगह है, मेरे डैड का फार्म हाउस है, वहां पर तुम्हें ये सारी चीजें मिलेंगी, तो कल चले। बट अकेले? हाँ और क्या, आई नो हम मिले हैं पहली बार, बट जानते तो काफी दिनों से ना। बट मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है। अरे तो उस लड़की को मिल भी आया। गुड गोइंग। अरे सुन ना, हाँ कुछ किया क्या? अरे आज ही तो मिली,
अब एक दिन में सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। अबे ऐसा ही होता है यार, टाइम किसके पास है। ऑसम डूड ऑसम, मुझे देख, आज तक उस डेटिंग ऐप में कम से कम नहीं तो 25 लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजी है, एक का भी रिप्लाई नहीं आया। अबे तू कितना लकी है पता है तुझे, अब आगे का क्या सीन है। फार्म हाउस पर आने को बोला है। फार्म हाउस क्यों यार, अरे यही बोला ना घर पे। अरे वो है ना, मॉम डैड को सब बता देता है। देख जो करना है जल्दी डिसाइड कर, अगर रिप्लाई नहीं आया ना तो नेक्स्ट गर्ल ब्रो। एक मिनट। हाँ यस मान गई। क्या बात कर रहा है, यस। अरे तू सुन मेरी बात सुनना। हाँ मैं भी चलता हूँ ना तेरे साथ। तू वैसे भी मेरी बहुत सारी डेट्स खराब कर चुका है, तू ना कल मुझे आसपास भी मत दिखना प्लीज। सही है ब्रो सही है। आई थिंक इस डेटिंग ऐप के बारे में मैंने तुझे बताया था ना, और तू मुझे ही डिच कर रहा है। अच्छा सुन, तुझे कोई स्टफ चाहिए क्या? कल ही आया गोवा से, एक स्लॉट में पूरा हेवन का रास्ता खुल जाता है। नो वे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चल गेम खत्म करते हैं अब। लड़का और लड़की का अकेले में मिलने का वादा यानी डेटिंग, और डेटिंग आजकल के यंगस्टर्स की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई शहर में करीब 1,30,00,000 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और जिनमें से आधे से ज्यादा लोग ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशंस पर एक्टिव हैं। ऐसे अनजान लोगों के साथ डेटिंग करना जितना एक्साइटिंग होता है उतना ही रिस्की भी होता है। अक्षय भी अंजलि से अभी अभी मिला और दूसरे ही दिन वो उसके साथ शहर से बाहर फार्म हाउस जाने वाला था, लेकिन जिस जगह अक्षय जाने के लिए इतना एक्साइटेड था वहीं पर एक हादसा उसका इंतजार कर रहा था। क्या होने वाला था? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे डोंट वरी, एंजॉय द ड्राइव। वाओ कितना अच्छा घर है, यहाँ पे कितनी शांति भी है। लव दिस हाउस। थैंक्स। वेल वैसे मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ, पर अभी स्पेशली तुम्हारे लिए आया हूँ। ओके लेट्स फ्रेशन अप। स्पेशल गेस्ट के लिए सूथिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, सो प्लीज। सीट। थैंक यू। अक्षय तुम्हें पता है ना मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है। अरे ये कोई ऑर्डिनरी ड्रिंक नहीं है, मेरे डैड के कलेक्शन से है, सो प्लीज आई इंसिस्ट। अक्षय सब ठीक नहीं है, मुझे नहीं पीनी। वाइन पीना कोई कोई बुरी बात नहीं है, वाइन सो नॉर्मल, प्लीज फॉर मी जस्ट। कैसी है? नॉट बैड।
तू अरे क्या है ले, ये ले तू जो जो बोला था मैं सारा सामान लेके आओ। सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया, तुझे बोला भी था रुक मेरे लिए, रुका ही नहीं तू। हाय आई एम जय, अक्षय का बेस्ट फ्रेंड। हाय आई एम अंजलि, इट वाज नाइस मीटिंग यू। ओह वाओ ग्रेट यार, सुपर वाइन यार, वो मेरी ड्रिंक थी। यार तू मेरा फेरा कर रहा है यार। अरे सुना तुम लोग का खाने का क्या सीन है? एक काम करता हूँ मैं ही तुम दोनों के लिए कुछ बना लेता हूँ। किचन अरे लाइटर का है? ओ हेलो तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे कितनी हॉट है यार। तुझे तो मना किया था ना यहाँ आने से। रिलैक्स यार मैं क्या करता। अबे तुझे तो पता है ना मैं सैटरडे नाइट तेरे बिना प्लान नहीं करता। देख ज्यादा टेंशन मत ले, दो तीन पैक पी पा के नाच नूच के चले जाऊंगा। ओके तू ऐसे नहीं गया तो जान से मार दूंगा। अबे मेरी जान तेरी जान है मेरे भाई, जब चाहे ले लेना। देख तू बाहर जा एंजॉय कर, मैं तुम दोनों के लिए पास्ता बना दूं। ओके नाउ गो। हेलो कैसी हो माँ? नहीं माँ मैं आपको बता दूंगी बाद में, नहीं अभी नहीं। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। माँ भी ना दिल्ली में बैठे बैठे टेंशन लेती रहती है। आई एम रियली सॉरी यार। किस लिए? अचानक से जय आ गया, बट यू डोंट वरी वो चला जाएगा यार। अक्षय नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारा फार्म हाउस है, तुम्हारा फ्रेंड है, इट्स ओके। टाटा गाइस पास्ता इज रेडी। क्या है अक्षय कितना बोरिंग म्यूजिक चल रहा है यार, रुक चेंज करता हूँ। देख देख ज्यादा म्यूजिक लाउड मत कर, प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तेरे यहाँ पे ऐसे कौन से पड़ोसी जो कंप्लेन करेंगे। अंजलि लेट्स डांस। नो इट्स ओके मैं डांस करता हूँ ठीक है। अक्षय लेकिन हाँ चल enjoy it. अब देख अब ड्रिंक्स भी हो गए, खाना भी और डांस, तू अब जाओ क्या? क्या यार अरे अभी तो सिर्फ 8 बजे यार, इतनी जल्दी क्या? अरे अंजलि यू हैव मोर पास्ता ना, आई विल ब्रिंग इट, वेट मैं लेके आ रहा हूँ, वेट। अक्षय मैं वॉशरूम से आती हूँ। अक्षय क्या चाहते हो तुम, क्या चल रहा है ये सब? क्या हुआ अंजलि? अक्षय पहले तुम मुझे अकेले फार्म हाउस लेकर आते हो, ठीक है मैं अपनी मर्जी से आई, फिर तुम मुझे वाइन पिलाते हो, अब तुम्हारा फ्रेंड ड्रग्स ले रहा है अंदर। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ अक्षय। देखो देखो अंजलि तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अक्षय मुझे अब भी घर जाना है अभी। देखो देखो अंजलि तुम यही वेट करो, मैं अभी देख कर आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके वेट मैं तुझे सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ से चला जा ठीक है? और मैंने तुझे वार्न किया था ना कि जब मैं साथ में हूं तो ड्रग्स मत किया कर, चल निकल। कुछ हुआ क्या बोलना?
अब तो लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। चल जा। ओके। थैंक यू अंजलि। आई एम वेरी सॉरी, दोनों को डिस्टर्ब किया मैंने। हाँ हाँ ठीक है चलो। अरे अरे चल बाय अंजलि। चल अरे लेकिन हेलो चल कैसे दोस्त है तुम्हारे? He was so irritating. Drugs लेता है वो? Actually वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो थोड़ा weird है पर इंसान बहुत अच्छा है। In fact इस dating app के बारे में ना उसी ने मुझे बताया था। I think I should thank him क्योंकि उसकी वजह से मुझे तुम मिली। Let's have a drink. और उसके बाद छत पर जाकर तुम पूरी रात तारे गिन सकती हो और तुम्हें कोई disturb नहीं करेगा। अक्षय वो लू जाना है यार। अबे तू क्या चाहता है कि तेरे गार्डन में कर लूं? दो मिनट प्लीज। सॉरी अंजलि। ओए हमका पीट हमका पीनी है हमका जय। 5 मिनट कब से हो गए हैं? जय जय जय, 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 जय। कहीं ये मर तो नहीं गया? जय। कौन आया होगा? कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे अक्षय? देखो तुम टेंशन मत लो, मैं देख कर आता हूँ। बाहर तो पुलिस आई है और इसे 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 ड्रग ओवरडोज हो गया। ये तो मर गया। नहीं क्या करूं? हम इसे कबर्ड में डालते थे क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया कि ये ड्रग्स ले रहा था तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तुम पे ट्रस्ट करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। कहाँ फंस गई मैं? You calm down, okay? कुछ नहीं होगा। तुम मेरी मदद करो इसे कबर्ड में डालने के लिए। चलो मेरी मदद करो। चलो इसे ले चलते। जल्दी करो। खोलो। सब उसका मुंह ढक दे। हम छत पर थे। सुनाई नहीं दिया सर। ये गर्मी का है।
ये लड़की कौन है? ये मेरी दोस्त है और ये घर भी मेरा ही है। सर एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे बस, आप देखिए ना कुछ सेटलमेंट हो सकता है तो। सेटल मतलब क्या बोल रहे? कुछ पैसे ले दे के सर। मांगे मेरे तो से पैसे, मुझे पैसे। अबे चल क्या रहा है इधर, क्या लफड़ा क्या है इधर? हाईफाई नशा, तूने कोई मर्डर किया है तो मामला सेट करेगा। सर ये देखिए, ये जूता किसका है? वो मेरा है। दूसरा जूता किधर है? वो होगा कहीं, यही कहीं होगा। जरूर कर लो। चलो चलो मैडम। सर जूता वहां मिला। दोस्त था या ड्रग्स ले रहा था, पता नहीं कैसे मर गया। तुम दोनों ने भी ड्रग्स ले रखा है? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं, हमने कोई ड्रग्स नहीं लिए। तुम लोग सच सच बताओगे या मैं फिर ये लोग ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे। लेडी कांस्टेबल को फोन कर और इन दोनों को लेकर चल थाने। सर मेरी बात तो सुन। सर मेरी बात तो सुने। सर देखो सर मैंने कुछ नहीं किया सर। शांत हो जा, पहले शांत हो जा। मुझे तुम दोनों की बातों से यही लग रहा है कि तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। मामला सेटल करना है तुम दोनों को। हाँ ठीक है ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ। कितने में सेटल करेगा? मेरे पास ना 80,000 रुपये। 80,000 से क्या होगा, कम से कम 5,00,000 लगेगा। मैं 5,00,000 रुपये दे दूंगा पर सर केस तो रफा दफा कर दोगे ना आप? हाँ 100% हो जाएगा, चिंता मत कर। तुम लोग यहाँ टुको, मैं जाके साहब से बात करता हूँ। ठीक है अभी 80,000 तो ठीक है, बाकी के 4,20,000 कल शाम तक मिल जाने चाहिए। और हाँ 3,00,000 ही लड़की भी देगी। सर मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? नहीं ला सकती तो कोई बात नहीं, इसकी लाश को ले जाकर रख दूंगा थाने के सामने और फोन लगाऊंगा तुम दोनों के बाप को। सर इसके पैसे भी मैं ही दे दूंगा। कल शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। इन दोनों के नाम नंबर एड्रेस नोट कर लिए ना? चल फोन करके मैं बताता हूँ पैसे कहाँ लाने। जाओ अपने घर। सबसे बड़ी गलती थी मेरी लाइफ की तुमसे मिलना। अंजलि प्लीज प्लीज इन सब के बारे में बात मत करो, सोचो कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। इतना आसान है क्या? मर गया हमारे सामने वो,
फिर पुलिस, कल को पैसे। प्लीज अंजलि, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं ना। ऐसे गाड़ी चला रहे तुम्हें कहाँ छोड़ना है? जहाँ से पिकअप किया था। ठीक है। पुलिस में हादसे की रिपोर्ट करने के बजाय लोग पैसे देकर केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। माना कि मर्डर के केस में फंसने का डर लोगों को हिला देता है, लेकिन क्या अक्षय ने जो किया वो सही था? लोग ऐसा कर तो जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि एक क्राइम को छुपाने की कोशिश में वो दूसरा क्राइम कर डालते हैं। और इंसान किसी से कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन वो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, तुम जाओ जाओ ना। कहा ना, तू ग्रेट यार, सुपर वाइन यार। जे सर, पैसों का बंदोबस्त हुआ? हाँ सर, हो गया है सर। मुझे कहाँ आना है? ओके सर। ये तो सिर्फ तेरा है, अभी 3 लाख को हल्का लग रहे थे। फिलहाल मैं इतने का ही बंदोबस्त कर पाया, पर मैं जल्द से जल्द आपके सारे पैसे दे दूंगा। चल फिलहाल तो इतना काफी है, बाकी तू टेंशन मत ले, तेरे दोस्त ही कोई मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो। अब देखो, तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस वालों को पैसे दे दिए हैं। I'm really sorry for the trouble. तुम इस बात को भूल जाओ प्लीज। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। भैया जी। हाँ। वो बाहर पुलिस आई है। जी सर। कर्जत में खंडाला रोड पर एक फार्म हाउस है, आपके पिताजी का ही है ना? यस सर। कहाँ है आपके पिताजी? वो तो एक महीने के लिए लंदन गए हैं। क्या हुआ? दरअसल हमें एक गाड़ी के नंबर के बारे में पता चला है, बाइक वाले ने बताया। जब हमने पता किया तो गाड़ी और फार्म हाउस का मालिक एक ही निकला। आज से 3-4 दिन पहले आप गए थे क्या उधर? क्योंकि आपके पिताजी तो लंदन में है ना? नहीं सर, लेकिन आप बताइए हुआ क्या है? इस लड़के को जानते हो? नहीं नहीं, कौन है ये? ये तो जय भाई की फोटो है। तुम अंदर जाओ। एक मिनट, सच सच बताना, नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। मामला सेटल करना है तुम दोनों को। हाँ। कम से कम 5 लाख देना होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वहां पुलिस वाले आए और बॉडी लेके गए और उसके बदले तुमने उनको 5 लाख रुपए दिए? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? एरिया का इंचार्ज मैं हूँ।
उनके वर्दी पे कोई बैच वगैरह देखा था क्या? क्या नाम था? सर वो तो मुझे याद नहीं है। तुम्हारी इस कहानी पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम्हारा दोस्त ड्रग ओवरडोज की वजह से मरा या तुमने उसे मारा ये तो पता चल ही जाएगा। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो। अभी तुम हमारे साथ पुलिस थाने चलो। हमारे स्केच आर्टिस्ट को उन दोनों पुलिस वालों का हुलिया बताना। हेलो अंजलि, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पुलिस को डेड बॉडी मिली और ये लोग मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन लेकर आए। और ये पुलिस तो कोई और ही है। क्या, ये कैसे हुआ? अक्षय, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुम्हारी वजह से जेल नहीं जाना। तुमने मुझे कहाँ बता दिया अक्षय? अंजलि रिलैक्स, यू डोंट क्राई ओके। मैं तुम्हारा नाम कहीं भी और कभी भी नहीं लूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ अब तुम वही करोगे। हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट, फ्रेंड बुक, वो डेटिंग ऐप सबसे डिलीट कर दो। आज के बाद ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो। ऑल राइट। सर इसने जो होलिया बताया था ऐसा तो अपने डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। और जहाँ से उन्होंने फोन लगाया था अक्षय को वो भी पीसीओ का है। अरे पुलिस वाले थोड़ी ना पीसीओ से फोन करेंगे। ये तो साफ है कि वो पुलिस वाले थे ही नहीं। तुम एक काम करो, इन दोनों की स्केच जो है वो हर पुलिस थाने में भेज दो। और तुम, मैं अब भी कह रहा हूँ सच्चाई बताओ नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। सर मेरा यकीन मानिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, फार्म हाउस चलते हैं। मुंबई जैसे बड़े शहरों में फेक कॉप्स यानी बोगस पुलिस के मुद्दे बहुत सीरियस हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के डर का फायदा उठाते। इसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने कई सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं लेकिन फिर भी बोगस पुलिस के मामले सामने आते रहते हैं। पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए है, उनसे डरने के बजाय उनसे मदद लें। और कोई भी पुलिस की वर्दी में आपसे रिश्वत मांगे तो फौरन उसकी रिपोर्ट पुलिस कंट्रोल रूम में करें। अक्षय को जिस पुलिस ने ठगा था उस नाम का कोई पुलिसकर्मी उस इलाके में था ही नहीं। इस केस में अभी कई सारे चौंका देने वाले खुलासे बाकी थे। ये किसका है? पता नहीं सर। इसका मतलब उस दिन तुम्हारे साथ कोई और भी था। इसे देखकर तो लग रहा है कि ये किसी लड़की का है। देखिए इस फार्म हाउस पर मैं अपने दोस्तों के साथ आता जाता रहता, तो शायद किसी दोस्त का ड्रेस छूट गया हो। सर अभी फोन आया था। सर जैक की बॉडी में एक साथ दो ड्रग्स पाए गए हैं और डॉक्टर का कहना है वो भी मौत का कारण हो सकता है। ये वो भी का क्या मतलब है? क्योंकि सर उसके साथ साथ गला भी दबाया गया है। लेकिन इसने तो कहा था जब वो पुलिस आई थी तब तक जय ऑलरेडी मर चुका था, तो फिर गला दबा के मारने की क्या जरूरत थी? चलो। मुझे क्यों पकड़ के रखा है साहब? चुप, पूछताछ करनी है तेरे से। ये बता तेरे अक्षय भैया की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ साहब, काफी लड़कियां दोस्त थे उनकी। इसका मतलब है घर पर भी आती होंगी? कभी कभार आ जाती थी साहब। आखिरी बार कब आई थी? कौन सी लड़की आई थी? ये तो पता नहीं साहब। एक सच बता वरना बिना बात के पुलिस थाने ले जाके उधेड़ना पड़ेगा। साहब उस दिन मैंने अक्षय भैया और जय को बात करते सुना था। अब आगे का क्या सीन है? मामा उस पर आने को बोला है। फार्म हाउस क्यों यार? अरे यही बोला ना घर पे। अरे वो है ना, मॉम डैड को सब बता देता। वो उसे किसी फार्म हाउस में ले जाना चाहते थे। ओ फार्म हाउस। देखो हमें पता चल गया है कि तुम्हारे साथ उस दिन कोई लड़की थी और ये भी साफ हो रहा है कि तुमने जय को क्यों मारा और हमें ये झूठी कहानी क्यों सुनाई। ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जय का गला घोटा गया है किसी लड़की का चक्कर है ना, जिसकी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हुआ और तुमने जय को मार डाला। बोलो कौन थी वो लड़की? सर उसका इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो उससे दूसरी बार ही मिला था, वो भी एक डेटिंग ऐप के थ्रू। वो बेचारी तो ऐसे ही फंस गई। सर आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। हमें उस लड़की का नंबर दो, हम खुद ही पूछताछ करते। मैंने उसे हर जगह से डिलीट कर दिया।
उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। हाँ उसका उसका फ्रेंड बुक प्रोफाइल है, पर वहां पर सिर्फ आपको उसकी फोटो मिलेगी। दिखाओ फोटो, दिखाओ। सर शायद उसने अपना प्रोफाइल यहां से भी डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे सेलफोन की लिस्ट निकलवाता हूं, उसमें से देखकर बोलना कि उस लड़की का नंबर कौन सा है। जी सर। सर जो नंबर अक्षय ने बताया था वो लड़की का आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। डिटेल में एड्रेस क्या दिया है? सीविंग 204 रेम्बो बिल्डिंग बैकरोनी। अंजलि है घर पर? कौन अंजलि? ये आप ही का घर है? नहीं साहब, मैं यहाँ रेंट पर रहता हूँ, अभी 2 महीने पहले ही शिफ्ट किया है। सर लड़की ने 2 महीने पहले ही घर छोड़ दिया होगा, नंबर देते वक्त वो शायद यहीं रहती होगी। बात कुछ और भी हो सकती है। चलो आ जावेद, कुछ पता चला? साहब जिन 2 लोग का आपने स्केच भेजा था ना, जाकिर और दीपक नाम है साहब उनका। कहाँ मिलेंगे वो? साहब दर्शन बाग वाली चाय की टपरी है ना, उधर उन लोग का अक्सर आना जाना है। सुनो जी साहब, इन दोनों को जानते हो? हाँ साहब, ये तो जाकिर और दीपक हैं। यहीं आसपास रहते हैं? हाँ साहब, 2 गली आगे रहते हैं यहीं पर। ठीक है। हम लोग मिलकर करते थे ये सब, सुनसान इलाके में जिधर भी फार्म हाउस होता है उधर हम लोग पुलिस वाले बनकर जाते थे, पार्टी करने वाले लड़का लड़की से पैसे लेते थे। लेकिन इस बार जब हमने देखा घर में डेड बॉडी है और मामला ड्रग्स का, तो हम दोनों ने सोचा कि लूटने का ये अच्छा मौका है। गला किसने दबाया बताओ? सर सर, जब जब हम उसे लेके जा रहे थे तब तब जीप पे वो जिंदा था सर। जाकिर भाई ये तो जिंदा है अभी तक। अरे तो मार देना, वैसे भी ड्रेस लेके मरने की हालत में क्या फर्क पड़ता है। फिर हमने उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया और पैसे भी ले लिए, लेकिन किस्मत टूटी थी हमारी कि उसे बॉडी मिल गई। तुम्हारी गैंग में और कौन कौन शामिल है? सो रीडिंग के अलावा तुम्हें क्या पसंद है? Well, उसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है। Dude, I love traveling. अच्छा, एक काम करो, आज रात यहीं रुक जा, be comfortable. मैं कुछ खाने के लिए लेके आऊँ। हेलो। हाँ माँ कैसी हो? आपको बॉम्बे आना था ना, आप आ सकती हो। जी माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इस कॉल का क्या मतलब है? इसका मतलब है 15 मिनट के बाद हम लोग को अंदर जाना है। ओके।
इतने रेप करने की कोशिश करी सर, प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज सर, प्लीज। You are under arrest. मैं डेटिंग ऐप के थ्रू लड़कों से मिलती थी और जब वो लड़के मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाते थे तो मैं हाँ कहती थी और मेरे अक्षय के साथ भी यही प्लान था। जब उसने मुझे फार्म हाउस के लिए पूछा, एक मिनट, हाँ, तो मैंने उसे हाँ कह दिया और जाकिर और दीपक को भी बताया। और सर, हमारा हमेशा यही प्लान होता था, जब भी मैं रेप के लिए चीखूंगी तो वो पुलिस बनकर आएंगे और सामने वाले से मामला सुलझाने के लिए पैसे मांगेंगे। और अक्षय के साथ भी मेरा यही प्लान था, मैंने उसकी ड्रिंक्स में टैबलेट्स मिला दी थी कि वो मदहोश हो जाए। लेकिन उस दिन हमारा प्लान गलत होने लगा, उसका दोस्त जय आ गया। हाँ, नाइस मीटिंग। और उसने अक्षय की ड्रिंक पी ली। वो ऑलरेडी ड्रग्स ले रहा था, हमें लगा वो रिएक्शन की वजह से मर गया है। और फिर मैंने दीपक और जाकिर को कॉल किया। अक्षय, मैं वॉशरूम से आता। अच्छा सुनो, यहाँ पे उसका दोस्त आ गया, लग रहा है उसका दोस्त ड्रग लेके मर गया है। और उन्होंने दूसरा प्लान बनाया, अक्षय को जय के नाम पे ब्लैकमेल किया। कितने में सेटल करेगा? 80,000 रुपए। 80,000 से क्या होगा, कम से कम 5 लाख लगेगा। अगर अक्षय बोगस पुलिस को रिश्वत देकर मामला दबाने के बजाय खुद पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करता और जय को हॉस्पिटल पहुंचाता तो वो बच सकता था। याद रखें, ले देकर मामला दबाने के बजाय हमेशा कानून की मदद लें। अक्षय ने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन उसके डर ने उसके दोस्त की जान ले ली और वो खुद भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ। अक्षय की पहली गलती थी कि उसने ऐसी लड़की पर भरोसा किया जिसे वो जानता भी नहीं था। इंटरनेट और फोन के जरिए नए लोगों से मिलना या उनसे बातें करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बिना किसी को जाने उन पर भरोसा करना एक संगीन घटना को अंजाम दे सकता है। अंजलि को IPC की धारा 66D और 383 के तहत 7 साल की कैद हुई और उसके साथियों को 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साइबर क्राइम के जरिए हमारी पर्सनल स्पेस में हो रहे क्राइम से सिर्फ सावधान रहना ही काफी नहीं, बल्कि ऐसे क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करना जरूरी है ताकि वो किसी की भी जिंदगी या मौत के साथ ना खेल सकें। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि हम सारे मुंबईकर मिलकर एक साथ इन क्रिमिनल्स को मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।